हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म आ रही है लव यू, लव यू क्या, आई लव यू, लव के चक्कर, लव, अच्छा लव के चक्कर में। हाँ, लव के चक्कर में कैसे पड़े लव के चक्कर में? अब और कौन पढ़ा है लव के चक्कर में? अब समझ में नहीं आया, फंस गए तो फंस गए। अच्छा, देखते हैं कहाँ फंसे थे, चने के लव, लव के चक्कर नहीं, गन्ने के खेत में, गन्ने के खेत में। हाँ जी, लव के चक्कर में पड़े हैं, अब देखिए कब तक क्या होता है। अच्छा, शूट वूट वगैरह हुआ है, कहानी के बारे में अगर जानकारी? जी, कहानी कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा बा, मैंने मज़ा बा। जैसे कि बेटा कह रहा है कि नहीं, हम अपने जिसे प्यार करते हैं जानते हैं उससे शादी करेंगे, लेकिन फादर करके नहीं, लड़की संस्कारी होनी चाहिए, विचारवान होना चाहिए, सब कुछ उसमें हो, क्योंकि तुम इकलौता बेटे हो, मैं इकलौता रहता हूँ। तो कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है और बस ठीक है। और यहाँ पे आज डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दिलीप गुलाटी जी, उन्हीं के बेटे भरत जी के आज माता रानी का चौकी रखा गया था, जिसमें मैं शामिल हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने भी हाजिरी लगा ली है, एक दो गाना मैं भी गा लिया आज, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए, मुंबई में रहते हैं कि खासकर? हाँ, मुंबई रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, हमें आना जाना लगा रहता है, बिहार में शो हुआ, सही सभी जगह कहीं भी। अच्छा, तो हम लोग ये फिल्म की शुरुआत कैसे हुई, लव के चक्कर में शेयर करना चाहेंगे? अब हमें भी ये नहीं पता है, हमने अपना कर्म किया। अच्छा। गायक हैं हम। हाँ। मैंने गाना गाया रतिया कहाँ बितौलना है। अच्छा। जो बॉलीवुड हाफ गर्लफ्रेंड में यूज किया गया। और अच्छा, सही है, रात में कहाँ बिताना है? अब वो औरत पूछ रही है ना। अच्छा, पति से आए, घर घर की बात है, हर एक औरत अपने पति से पूछती है कि जा दिन में कहीं भी रहिए, लेकिन रात का जो है वो आप घर, उसमें भी राज है कि भाई युग जमाना खराब है ना। नहीं, लव के चक्कर में मैं इनके साथ काम करके आई हूँ। अच्छा। हम दोनों साथ में काम किए, ये रात तीनों हीरोइन के साथ बिताए हैं। ऐसा कुछ नहीं, इनकी को आर्टिस्ट है, ये एक हीरो है और तीन हीरोइन है इसमें, तो अपने ये तीनों के साथ रात बिताए हैं। हाँ, लेकिन लास्ट में पढ़ती भी होगी। हाँ। भी पढ़ा होगा। नहीं, धक्के मार के तो सभी ने भगाए, एक तो खुद ही चली गई, दूसरी धक्के मार के भगा दी। हाँ। तीसरी तो मस्का मार के लेने के लिए आई थी और लेके गई। जी भैया, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है और हीरोइन सोनालिका प्रसाद है और कनक यादव है, प्रगति, अच्छा लगा काम करके। उन लोगों ने कॉपरेट भी मुझे किया, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को और सभी टीम के लोग। डायरेक्टर मनोज तोमर जी हैं और प्रोड्यूसर विजय जी, संजय जी हैं, जानकार टेलीमीडिया के माध्यम से, और बहुत खुशी हुआ। और अगला बार फिर फिल्म में हम लोग कर रहे हैं, अगला फिल्म मेरा छवि से शूट हो रहा है, एक अगुआ, जिसके डायरेक्टर रितेश ठाकुर जी हैं और अनिल काबरा जी प्रोड्यूसर हैं। तो सौभाग्य है बड़े बड़े बैनरों से काम करने का। और अगला बार हम लोग करेंगे, देखिए जोड़ी ठीक लग रहा है, त्रिशा जी के साथ परफेक्ट है ना। वाह, तो प्रयास जारी रहेगा। तो मैं फर्स्ट गाना जो मेरा हिट हुआ वो सभी जगह बजा, मैं गुनगुना दूंगा। कहाँ बितौलना तुरतिया, कहाँ बितौलना, कहाँ बितौलना तुरतिया, कहाँ बितौलना, किमतिया मरलस कौन सवतिया रतिया, कहाँ बितौल ना, बता दो सिलवा रहे कि फूल मतिया रतिया, कहाँ बितौल ना। बहुत अच्छा रहा गाना। तो पहले माइक ना गावे के चाहिए, चलिए गा देते हैं एक भजन है। पर्वत पे माँ क्यों रहती है, गर्मिया जाड़ा क्यों सहती है, क्यों देती है खुद को सजा, मेरे घर आ जमा, मेरे घर आ जमा, मेरे घर आ जमा, मेरे घर आ जमा। दीपक, आपकी फिल्म आने वाली है, लोगों से अपील करना चाहोगे कि जब फिल्म ये आ जी, जी। और ये भी जानना चाहेंगे कि कब लग रही है फिल्म लव के चक्कर में, और थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, इसका जैसे कैसी केमिस्ट्री, कनक यादव की अगर बात करें तो वो अच्छी एक्ट्रेस मानी जाती है आज के डेट में, कैसी केमिस्ट्री रही, कुछ शेयर करना चाहेंगे? चुलबुलाहट या लाहट, पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे कुछ हुआ?
सब अच्छा लगा क्योंकि मेरा भी पहला फिल्म था और हमने सबके साथ, मैं ये नहीं समझता कि मैं हीरो हूँ चाहे कुछ भी हूँ, नहीं, मैं एक गायक हूँ और मेरे श्रोता समाज जो भी सुनने वाले लोग हैं वो मुझे उस नज़र से देख रहे हैं, गायक नायक के नज़र से, तो मेरा भाग्य है। मैं हीरो कुछ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जीरो हूँ, आजीवन सीखूँगा, हमेशा प्रयास करूँगा, मुझे ये नहीं समझ। और खुशी इसी बात से हुई कि हमने जब भी स्क्रिप्ट मिला चाहे जो भी समझना जानना था कि उनके साथ मेरे सीन करना है, तो कभी कभी मैं ही चला जाता था, मैंने जैसे कि बुलावा करके पूछवा करके, भाई ये तुमको क्या बोलना है आपको ये सब, तो लोग बोलते थे तो हमने नहीं ऐसे ऐसे बोल करके हम अपना। हाँ, ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और इनकी जवाब नहीं है, हंसती हैं तो बस नए उगता कलाकार है, हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं कि नए लोग आए और अपना हुनर दिखाए, क्योंकि नए लोगों की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी टाइम से आप एक ही लोगों को देखते देखते मतलब पब्लिक थोड़ा सा वो, मेरी फिल्म आ रही है अभी, मैंने शूटिंग करके आई हूँ आँख में चोली, ये फिल्म मेरी आ रही है आँख में चोली। फिल्म में पता नहीं किस किस से हुआ, वो आप फिल्म देखने के बाद समझ में आएगा। हमें तो पता नहीं, हम तो बहुत इंक्वायरी करते लेकिन पता नहीं चला किस से। आँख में चोली में ही आँख में चोली था, वो कॉमेडी फिल्म है और आँख में चोली पूरा घूम रहा था स्टोरी। सब्जेक्ट यही है कि कॉमेडी है और कब किसके साथ आँख में चोली हो जाती है ये कन्फ्यूजन में पब्लिक आ जाती है। नहीं ऐसे नहीं, पहले पति से फिर बॉयफ्रेंड से ऐसा ऐसा होते रहता है एंड लास्ट में क्या होता है पब्लिक फिर ताज्जुब हो जाती है उसमें। इट्स अ मतलब ये फिल्म थोड़ा सा आप लोग देखे हो बॉलीवुड में जैसे कि सोनू की टिट्टू की स्वीटी, मतलब थोड़ा सा कॉमेडी इमोशन फैमिली ड्रामा कि आप सबके साथ बैठ कर देख सकते हैं। ये यूपी में 25 दिन शूट हुई है और करीबन 10 डेज शूटिंग हुई है नेपाल काठमांडू में हिमालय के गोद में। दीपक चलते चलते आगे और क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जब ये फिल्म लगेगी दर्शक क्यों जाएं? आप नए हो दर्शकों के लिए, बहुत लोग मतलब यूट्यूब पे आपके गाने वाने सुने होंगे लेकिन सिनेमा में 100 रुपया खर्चा करके क्यों जाएंगे? क्या कुछ अपील करना चाहोगे, क्या कुछ खास बात है इस फिल्म में लौ के चक्कर? खास बात यह बाकी हम ये रिक्वेस्ट करें अपना श्रोता समाज से, जो भी सुने वाला लाइक करे वाला फैंस जो भी बात काहे से कि वहाँ लोग हमके तो गायक बना देनी और हर एक गायक की इच्छा होला कि हीरो बने नायक बने, तो हम तो मन में नहीं रख ले लेकिन प्रयास कैले बनी, तो हम यह कह कि अब हमारा के जगह गायक के स्वीकार कर लोग नायक हीरो के भी स्वीकार करें आप सब देखें प्यार दुलार दी काहे से कि हमेशा उम्मीद आशा लागर रहे और हमेशा सीखे के चाहबा। हम आशा करते नहीं कि जगह हमार गीत रतिया कहाँ बीतल से बेवफा तोरे चलते प्यार में बदनाम हो गए नहीं अनगिनत गाना हिट। अब ये गाना बज रहा है कि ऐसा कोई जिला नहीं जो भोजपुरियों से हिला नहीं, बहुत सुर्खियों और ये गाना टिकटॉक पे काफ़ी छाया हुआ है। जैसे कि लड़कियाँ जैसे कि मान लिया हीरोइन है, इनका लाइन है जैसा मैंने चाहा वैसा मर्द आज तक मिला नहीं, जैसा मैंने चाहा वैसा मर्द आज तक मिला नहीं। तो लड़का कहता ऐसा कोई जिला नहीं जो यूपी बिहार से हिला नहीं। तो ये गाना काफी अच्छा है। दीपक जी यूपी बिहार हिला नहीं आए। दीपक अपने सुपरस्टार के सारे लाल जी जी बॉस हैं और press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.